जो सभी जाति धर्म वर्ग वर्ग के लोगों के लिए, इस नाते उत्तर प्रदेश में जाति का पैटर्न टूट गया, धर्म के पैटर्न को छोड़। ठीक है, ये अच्छी बात है, उत्तर प्रदेश की सियासत में जाति का पैटर्न टूट जाए अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि जाति का पैटर्न इतनी जल्दी से उत्तर प्रदेश की सियासत से बाहर जा सकते हैं। जहर अली साहब, कितनी मुश्किल लड़ाई है घोसी की, लड़ाई कितनी मुश्किल है, चूंकि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जी जान से मेहनत कर रहे हैं, अगर परिणाम ऐसे नहीं आए तो क्या होगा? देखिए कुंदन जी, हमारे लिए हर चुनाव, चाहे प्रधानी का हो, चाहे जिला पंचायत का हो, चाहे क्षेत्र पंचायत का हो, हमारे लिए हर चुनाव चुनौती है और हम लोग हर चुनाव चुनौती समझ के लड़ते हैं और आखिरी दम तक हम लोग प्रयास करते हैं, वोट मांगते हैं और हमारे नेता 24 आवर पूरे 5 साल और लगातार जनता के बीच में रहते हैं और उन्हीं के सुख दुख में शामिल रहते हैं। असल में तारिक भाई को दिक्कत यह है कि अगर कोई एनडीए गठबंधन अगर मुसलमानों के हक में उनके लिए काम कर रहा है तो दिक्कत इनकी यह है कि आखिर ये क्यों कर रहे हैं। हम बस ठेकेदारी इन्हीं के पास है, सारी मुसलमानों की ठेकेदारी तारिक भाई के पास है, हम क्यों कर रहे हैं? तो इसलिए नहीं चाहते हैं कि अल्पसंख्यक समाज का भला हो, उनका उत्थान हो, जो क्योंकि आज तक तो इन्होंने जो समाज के अंतिम पायदान पे व्यक्ति जो बैठा है उसका भला कैसे हो इन्होंने सोचा नहीं। अब चूंकि जब इन्होंने किया नहीं तब हम कर रहे हैं तो इनको दिक्कत हो रही है। अरे भैया, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, आप इतनी चिंता ना करो। अब हम लोगों को जनता ने अवसर दिया है, अब जो समाज में अंतिम पायदान पे गरीब शोषित वंचित जो मुसलमान है और सर्व समाज के लोग, उनके हक में और उनकी शिक्षा और रोजगार, उनकी दवाई की, उनकी पानी की व्यवस्था करने दीजिए। आप चिल्लाइए नहीं, आप इतना दिमाग लगाइए कि हमको ईवीएम पे दोष देना है 8 तारीख को, कि वोट कटिंग की पे दोष देना है, कि जो घरों की बिजली काटी जा रही है इस पे दोष देना है। आखिर कहीं तो ठीकरा फोड़ेंगे भाई, इसका ये तो उम्मीद हम कर नहीं सकते हैं कि ये कहेंगे कि भाई अरे कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गए, हम लोग ठीक है सर। सारी आप बहाना ढूंढ लीजिए, अभी आपके पास 6 दिन है सुंदन जी, जी जी तारिक भाई के पास 6 दिन है, आराम से बहाना ढूंढ ले। ठीक है, जमीन पे कुछ इनका है नहीं। ठीक है सर साहब, इनके लिए चलिए उस दिन भी बैठेंगे, उस दिन भी बैठेंगे, 8 को ही बैठ जाएंगे। मोहम्मद फरहान साहब, दरअसल मुस्लिमों की चिंता आपकी पार्टी बहुत करती है, मुस्लिमों की चिंता जो है आपकी पार्टी बहुत करती है मोहम्मद फरहान, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुस्लिम आप लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, ऐसा क्यों है? देखिए, हम मालिक हैं और ये जो लोग चिंता करते हैं ना वो ठेकेदार होते हैं। जैसे राजभर जी के भी पार्टी प्रवक्ता बोल रहे थे कि मुसलमान राजभर समाज मतलब जो पार्टी है उनसे बहुत जुड़ रहा है। अरे एक व्यक्ति उनसे जुड़ा हुआ है, मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी, वो विधायक है उन्हीं की पार्टी से, उन्हीं के सिंबल से विधायक है। आज तक ओम प्रकाश राजभर भी मीडिया का जवाब नहीं दे पाए हैं, जब जब मीडिया पूछती कहते नहीं हमारा नहीं कैंडिडेट है, वो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट है, इनके सिंबल से जीता है और वो बार बार बताते हैं कि समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि अभी हमारे बड़े भाई सीएन सिंह साहब, बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, वो मूलभूत सुविधाओं को भी क्या नाम है अपनी उपलब्धि बता रहे थे कि बिजली का कनेक्शन भी मुसलमानों को दिया गया, पानी का कनेक्शन भी मुसलमानों को दिया गया, जो मूलभूत सुविधाएं हैं अब क्या साहब इससे भी वंचित कर देंगे आप? और समाजवादी पार्टी के नेता श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने यह कहा मुसलमानों के बारे में कि मुसलमानों को भय लग रहा। मैं कहता हूं कि लानत है ऐसे नेता पर और लानत है ऐसे दल पर जिस दल को मुसलमानों ने 85% वोट दिया, जिसका 110 विधायक विधानसभा के अंदर हो और उसके रहते हुए मुसलमानों को डर लगे। आपने क्या हाथ में चूड़ियां पहन रखी है? मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं बीजेपी का, या बीजेपी का डर है आपके दिलों में? क्यों नहीं निकल के आप लड़ते? खाली चुनाव के वक्त आप क्या ना मुसलमानों को बरगला के, उनको उत्तेजित करके, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहका करके उनसे वोट लेना चाहते हैं? वोट लेने के बाद फिर नहीं देखेंगे। साहब के पास जाना जा रहा था मैं, लेकिन छोटा जवाब तारिक खान साहब छोटा जवाब, 10 सेकंड में। देखिए मुसलमान बखूबी जानता है कुंदन भाई कि हमने उनके लिए क्या किया है और हम भेदभाव करके नहीं करते हैं। ये बात बड़ी अजीब है
कि बीजेपी कहती है इन्होंने सिर्फ मुसलमानों के लिए किया है और एमआईएम कहती है कि कुछ नहीं किया, तो अगली बार जब आप लोग मीटिंग में बैठिएगा तो तय कर लीजिएगा कि किया है कि नहीं किया है दोनों लोग। एक बात कहिए, अलग अलग बात ना कहिए आप लोग, अगली मीटिंग में तय कर लीजिएगा कि क्या कहना है। कुंदन भाई ठीक है, दुबे साहब मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो चुनाव है दोनों तरफ से इतनी मजबूती से चुनाव लड़ रहा है दोनों गठबंधन, चाहे पीडीए हो, इंडिया गठबंधन हो या एनडीए हो, इतनी मजबूती से चुनाव लड़ने के पीछे की वजह क्या है आपको दिखाई देती है, और क्या जो नतीजे होंगे वो एक झलक एक छोटी सी तस्वीर पेश करेगी क्या, अब जो नतीजे पेश करेंगे क्या 2024 को लेकर के? जी बिल्कुल, पहली बात तो मुझको लेकर बात कही गई पीडीए गठबंधन को लेकर, तो निश्चित तौर पर जब आपने पीडीए गठबंधन कहा है तो आप 431 को टिकट नहीं देंगे, ये कोई भी बच्चा भी जानता है। AIMIM जिसने अपनी पार्टी का नाम ही ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादे मुस्लिमीन रखा है वो भी हिंदू को टिकट देती है, ये कोई नई बात नहीं है। जब आप पीडीए नारा देते हैं तो 432 लोग को टिकट दें, बात ये है आप सरकार में नहीं है तो आपके पास 3 या 4 चैनल नहीं है जहां पर आप एडजस्ट कर पाए, आप चुनावी राजनीति में ही भागीदारी दे सकते हैं। चुनावी राजनीति में जब आप मेयर में आधे से अधिक सवर्णों को टिकट देते हैं, चुनावी राजनीति में जब आप सवर्ण को घोसी से चुनाव लड़ाते हैं तब आपका नारा झूठा लगता है। एमएलसी जो चुनाव आप हारने के लिए लड़ रहे थे वहां पर आप पिछड़ों को आगे कर देते हैं और आप वहां पर कहते हैं हम प्रतीक दे रहे हैं, तो चुनाव में जब आप प्रतीकों को ऐसे चुनते हैं, चुनावी राजनीति के अलग चुनते हैं, वहां पर सवाल खड़े होते हैं। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी गठबंधन चाहे इंडिया का गठबंधन हो जो विपक्ष एक साथ लड़ रहा है और चाहे एनडीए का गठबंधन, घोसी चुनाव को आप शुरुआत से देखें, जिस क्षण भारतीय जनता पार्टी ने दारा सिंह चौहान की को घोषित किया था उसी वर्ष से वो चुनाव कठिन हो गया था। दारा सिंह चौहान को लेकर नाराजगी रही है घोसी क्षेत्र में जी, भारतीय जनता पार्टी ने वो एक रिस्क उठाया, वो कितना कैलकुलेटिव था ये चुनाव का परिणाम बताएगा, लेकिन उसके बावजूद आप देखें जिस तरीके से मंत्री सारे उपस्थित हैं, क्लस्टर्स में बांटा गया है, मंडल प्रभारी लगे पड़े हैं, तो वो ये रिस्क लेने के लिए तैयार हैं कि इस चुनाव के हारने का जो रिस्क होगा वो मुख्यमंत्री अपने ऊपर लेने को, संगठन अपने ऊपर लेने के लिए तैयार है। लोकतंत्र में जिम्मेदारी आवश्यक होती है, लोकतंत्र में आवश्यक रहता है कि नेता वहां खड़ा रहे चाहे वो जीते चाहे हारे जी, जरूरी ये है कि आप चुनाव लड़ते हुए दिखाई पड़े। लोकतंत्र मजबूत उससे होता है जो कि घोसी में इतने वक्त होता हुआ दिख रहा है। कुंदन जी ठीक जी। है तारिक साहब, मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि अगर ये चुनाव नतीजे जो है आपके फेवर में नहीं आए तो क्या जो पीडीए वाला जो फॉर्मूला आप लोगों ने तैयार किया, जो नारा दिया है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, चूंकि पीडीए में भरपूर है यहां पर, और पीडीए अगर आपके साथ आता है तो आपकी जीत सुनिश्चित है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर ये चुनाव आपके फेवर में नहीं जाता ये उपचुनाव, तो क्या ये आप लोग कबूल करेंगे कि पीडीए वाला फॉर्मूला पीडीए को एक्सेप्ट नहीं किया घोसी की जनता ने? देखिए, हम उपचुनाव हारे भी हैं, हमने हराया भी है जी। हमने फूलपुर उपचुनाव इनको हरा दिया, गोरखपुर में हरा दिया, जहां सीएम और डिप्टी सीएम खुद आते थे। बिल्कुल, पहली बिल्कुल। बात तो समझ लीजिए कि एक जनरल आदमी की तरह कह रहा हूं, किसी का कोई गढ़ नहीं बचा है, हम इनके गढ़ हरा आते हैं, इन्होंने हमारे भी गढ़ हराए हैं, हम सार्वजनिक पटल पर इसको एक्सेप्ट करता हूं मैं जी, किसी का कोई गढ़ नहीं बचा है। अब बात पीडीए की है, हाँ हम पीडीए की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, किसी भी चुनाव में सबसे बड़ी जो डिसीजन मेकर है या मैं कह सकता हूं जज है जनता है, हम अदालत में जा रहे हैं उसके अपनी अर्जी लगा रहे हैं, हमें उम्मीद है कि हमारी अर्जी एक्सेप्ट की जाएगी, क्योंकि 22 का जो मैंडेट था घोसी की जनता का वो अगेंस्ट बीजेपी था, मैं बार बार ये बात कहता हूं, और वो जनता ने बीजेपी के विपरीत दिशा में वोट दिया था, ये लोग वहां जा जाके सिर्फ ये बता रहे हैं कि सरकार हमारी बहुत डेवलपमेंट कर देंगे, हमें किसी तरीके से वोट दे दो, लेकिन जनता अगर नाराज होती है कि आपने इससे पहले काम नहीं किया, सरकार तो प्रदेश में आपकी थी, खाली विधायक तो नहीं था वहां पर, उससे क्या हुआ, बाकी तो बहुत लोग हैं, मुख्यमंत्री तो है ना, वो तो रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए वहां की जनता इनके नॉन डेवलपमेंट एजेंडा जो इन्होंने वहां पर घोसी में चलाया है उससे नाराज है। बुनकर वहां पर बहुत हैं, हमने 70 रुपए में बिजली दी थी उनको, 400 रुपए में बिजली दे रहे हैं आजकल नॉर्मल कॉमर्शियल रेट पर, और उसमें हिंदू और मुसलमान नहीं है, यहां पर यही है। ये कहते हैं बीजेपी आरोप लगाती है कि हमने सिर्फ एक वर्ग के लिए किया, एमआईएम कहती है कुछ नहीं किया, तो मैं भाई यह कहता हूं हमने किया या नहीं किया, हमारे ऊपर आरोप एक तरीके का लगे, हम कहते हैं हमने बगैर भेदभाव के सबके लिए किया,
हमने दो अलग-अलग वाले लोग आरोप लगाते हैं। एक कहता है आपने सिर्फ मुस्लिमों के लिए किया, उन्हें हिंदुओं का वोट चाहिए, एक को मुस्लिमों का थोक में वोट चाहिए, तो दोनों अलग अलग धुरी के लोग हैं, समझना पड़ेगा। तारिक खान साहब, सिंह साहब, दरअसल आज मुख्यमंत्री गए तो वो तो विकास की योजनाओं को गिरा रहे थे। लेकिन कुंदन भाई, आप चेयर हो, आप डिसाइड कर लो ना किसका आरोप सही है। आप तो चेयर हो। नहीं, मैं चेयर नहीं, जनता चेयर है।